कुछ दिनों पहले एकनाथ पाटिल द्वारा दिलीप जोशी पर पत्रकार परिषद कर भू माफियों का आरोप लगाया गया था, जिसका खंडन दिलीप जोशी के पुत्र द्वारा किया गया। दिलीप जोशी के पुत्र जॉयल जोशी ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके पिता को फोन आया जहां उन्हें बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन अनाधिकृत तरीके से जब्त की जा रही है और उनके जमीन पर जेसीबी भी लाई गई है, जिसके बाद वे अपने पिता दिलीप जोशी व पिता के मित्र सिराज व उनके पुत्र के साथ वहां गए। उन्हें 10-20 लोग उनकी जमीन पर भी दिखे। इसके बाद उन पर एकनाथ पाटिल द्वारा आरोप लगाया गया, लेकिन एकनाथ पाटिल के पास किसी भी तरीके के वैध कागजात नहीं है और पाटिल के साथ उनके किसी भी तरीके के कोई संबंध नहीं है, ऐसा जॉयल जोशी ने कहा। बाइट जॉयल जोशी। सबसे पहले तो अधिग्रहण वो हमारे प्रॉपर्टी में करने आए थे। मेरे पास में जिस दिन से मैंने प्लॉट लिया है उस दिन से आज तक के मैं एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले उस समय का ये मेरा कब्जा पत्र जो मुरलीधर जी निमजे के हाथ से था, उसके बाद में सोसाइटी का दिया हुआ ताबा पत्र, उसके बाद में मैंने जो पेमेंट भरा उसकी एक स्लिप कि सोसाइटी का मैं रेगुलर मेंबर हूँ और सोसाइटी के अंदर में मेरी दी हुई स्लिप, उस स्लिप के आधार के ऊपर में सोसाइटी के सचिव ने मेरे फादर के नाम पे ये रजिस्ट्री करके दी। ये सचिव है सुदेश बलवंत जी कोठारे और इनको DDR ऑफिस से ये लिस्ट बनी हुई है, इनको रजिस्टर करके देने का पावर है। 2001 के अंदर में NIT में सबमिटेड ये जो मैप है, इस मैप के अंदर में आप देख सकते हैं कि ये 19 नंबर का 19A और 18A, ये दोनों मेरे प्लॉट है 19A और 18A, ये NIT का सबमिटेड मैप है। ये 19 नंबर ए 19A की मेरी एग्रीमेंट, ये 19A का करेक्शन डीड श्री पत्रुजी मरसकोले जब जीवित थे उन्होंने किया था। और ये सारी रेवेन्यू भर के कागजात बने, एकनाथ पाटिल ने कोई रेवेन्यू भरा नहीं, सारे छुपे हुए 1,76,000 रुपए भर के उन्होंने दुरुस्ती करवाया और दुरुस्ती के अंदर में ये जो प्लॉट है ये 19 से 19A हुआ, ये 19 से 19A हुआ दुरुस्ती के अंदर में एज पर NIT रूल। ये प्लॉट की पुरानी सल्डिट जो 19 नंबर की थी 2000 स्क्वायर फीट की, बाद में दुरुस्ती के अंदर में 1974 स्क्वायर फीट बना। ये उस समय पे उसका मैप जो रजिस्ट्री ऑफिस से लेके सभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लगा हुआ है। ये 19A का RL डिमांड टैक्स भी भरा हुआ है। ये एकनाथ रामभाव पाटिल का आम मुख्तार पत्र, ये आम मुख्तार पत्र के अंदर में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उनका 19, 20, 21, 22 और 23 ये 3 प्लॉट है। अब आपने जो NIT का मैप और मेरे जो डॉक्यूमेंट दिखे उसके अंदर में 18A और 19A का वर्णन और जिक्र कहा है। जिस तरीके से सोसाइटी को मैंने पेमेंट दिया और मैंने सोसाइटी से स्लिप लिया, ये 29,52,000 रुपये देने के बावजूद इनके पास में ना तो कोई चेक का रिकॉर्ड है ना इन्होंने जो सोसाइटी को पेमेंट दिया उसकी स्लिप है। ये कोर्ट से हारे हुए वो पेपर है, इस कोर्ट के अंदर में आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23 ये तीन ही ये 5 ही प्लॉट के ऊपर में वो कोर्ट केस लड़े हैं और मेरा प्लॉट नंबर 18A और 19A है। जब वो प्लॉट ही से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जब इन्होंने कोर्ट केस दायर किए तो उस समय इन लोगों के ऊपर में उनका दावा था। इसके अंदर में ना तो 19 नंबर का कोई जिक्र है और ना ही हमारे नाम का कोई जिक्र है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि एकनाथ पाटिल जी ने जो भी हमारे ऊपर में आरोप लगाए वो सब के सब बेबुनियाद है और जितने भी पेपर के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से छपा है आप लोगों से सारी वित्तीय गुजारिश है कि सच को आप साबित करें, सच को आप सामने लाएं। बस आप सब कॉपी देते हैं आपको। और एक चीज़ मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ कि इसके अंदर में
एकनाथ पाटिल जी ने जो पेपर लगाए थे का संस्था का रेजिग्नेशन लेटर 2003 का मुरलीधर जीताजी निंदे के नाम का, जो आदमी 2003 में अपने आप इस्तीफा दे रहा है डीडीआर के अंदर में, उसकी कॉपी सबमिट है, वो आदमी 2004 के अंदर में कैसे इनको आम मुख्तार पत्र बना के दे सकता है और वो कितना वैलिड रहेगा? अब 2001 के अंदर में जब सोसाइटी का मैप वहाँ लग चुका था तो उसके बाद में ये मैप आप बताइए कि इसके अंदर में आदिवासी सोसाइटी का, एनआईटी का या कौन सा गवर्नमेंट ऑथराइज स्टैंप लगा हुआ है? तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वो प्लॉट के जो पेपर बने हैं वो मेरे सही है कि उनके सही है? कलीम, हम कलीम की बात नहीं, हम लोगों ने जैसा जिस तरीके से एकनाथ रामभाव पाटिल के ऊपर में लगे हुए आरोपों को हम लोगों ने आईटीआई के माध्यम से रिकॉर्ड मंगाया है, उसी तरीके से एकनाथ पाटिल जी ने हमारे विरुद्ध में नागपुर शहर के अंदर में अगर कहीं भी अगर गुनाह है तो आप सामने लाइए।